तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं इस टॉपिक के ऊपर सच बता रहा हूँ वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, बट इतने मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है जिससे कि आप सबको एक बार में इसका आंसर मिल जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या अक्टूबर के एग्जाम दिसंबर में मर्ज होंगे? ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछना चाहिए। मैंने आपको जब एनालिसिस वीडियोस दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखे ऊपर आई बटन में लिंक दे दें, नहीं तो इस वीडियो के एंड में आपके सामने पॉपअप हो जाएगा, तो आप सब जाके देख लेना। अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। जब मैंने आपको एनालिसिस दिया है तो मैंने आपको हमेशा टारगेट करा है अक्टूबर में एग्जाम के हिसाब से कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अक्टूबर में ये होगा, अक्टूबर में वो होगा। अब जो रिविजन्स वीडियो आने वाली है आपकी, उसमें भी मैं यही चीज अक्टूबर को टारगेट करके कर रहा हूँ। आप लोग क्यों इस चीज को सोच रहे हो कि आपके दिसंबर में एग्जाम चले जाएंगे? जो भी फैकल्टीज इसके ऊपर वीडियोस बना रही हैं, प्लीज इग्नोर करो उन लोगों को। थर्ड वेव आती है तो इंस्टीट्यूट होम बेस ऑप्शन देगा, लेकिन आप ये मत सोचो कि एग्जाम चला जाएगा दिसंबर में। नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। प्लीज आप लोग मोटिवेट हो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। इन सब चीजों से मैंने लाइव में भी बोला था, जब मैं लाइव आया था मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि प्लीज आप लोग इस चीज को ध्यान मत दो, आप लोग फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर। आपके एग्जाम ऑन शेड्यूल डेट होने वाले हैं। जो रिविजन वीडियो में आपको बताऊंगा वो अक्टूबर से लेके बताऊंगा, तो आपका अक्टूबर में 21 डेज आपको किस तरह रिवाइज करने हैं वो सारी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, जिससे कि आपको अक्टूबर में एग्जाम कैसे देने वो प्रिपेयर हो सके। मैं नहीं चाहता कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, उससे आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस होगा। जब दो टर्म एक साथ मर्ज होते हैं ना, तो ये मान के चलो रिजल्ट तो चलो इंक्रीज हो गए होगा, वैकेंसीज भी कम हो जाती हैं, प्लस आपके पास अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। हम लोग जब लास्ट टाइम पास हुए हैं दो अटेम्प्ट एक साथ मर्ज होके, तो हम लोग जानते हैं हम लोग क्या चीजें फेस कर रहे हैं। तो वैकेंसीज नहीं है इस टाइम मार्केट के अंदर, तो यही चीज आप लोग प्लीज इस चीज के लिए इंस्टीट्यूट के ऊपर फोर्स मत करो कि पोस्टपोन कर दो या मर्ज कर दो। अभी आपका शेड्यूल डेट पे होगा, दिसंबर के लिए क्या होगा नहीं होगा वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और अभी थोड़े टाइम बाद बनाऊंगा, पहले इस अटेम्प्ट को हो जाने देते हैं। आप लोग अभी अपना फोकस करो, जो दिसंबर वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोग अपना प्लीज इस चीज के ऊपर फोकस करो कि यस अभी हमारे जो टाइम जो एग्जाम है दिसंबर एंड तक लेके चलो, आपके जहां तक पोस्टपोन होंगे, बट फिर भी आप अपना ये मान के चलो कि भाई 1 जनवरी से एग्जाम होने हैं, आप अभी ये मान लो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। रीजन मेन कि अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप ही के लिए अच्छा है, आप उसमें रिवीजन ज्यादा कर पाओगे। अक्टूबर वाले स्टूडेंट की तरह मत करना। ज्यादातर बच्चों ने क्या करा है, एज्यूम कर लिया था कि पोस्टपोन होंगे, उन लोगों ने पढ़ाई भी उसी हिसाब से करी है, तो अब लास्ट में जाके काफी बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक कोर्स का कंप्लीट नहीं करा है। तो प्लीज आप लोग इस तरह के उसमें मत फंसना। आप लोग जो बना रहे वीडियो ठीक है सुनो और आगे चलो, लेकिन आप लोगों को फोकस करना है। बिकॉज देखो मैं स्टूडेंट हूं, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज मैं भी फेस करता हूँ। अगर मैं ये देखूंगा कि हाँ भाई पोस्टपोन होने वाले हैं, मेरा भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इस चीज की वीडियो से प्लीज दूर रहो एंड आप लोग फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर। मैं नहीं चाहता एग्जाम पोस्टपोन हो, ना मैं ही चाहता मर्ज हूं, ऑन शेड्यूल डेट होनी चाहिए। जितनी भी प्रिपरेशन है कॉन्फिडेंस के साथ जाओ एंड क्रैक करो अपने एग्जाम को, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। जब मर्ज हो जाएंगे तो यार दो अटेम्प्ट के बच्चों से आप टकराओगे, मतलब अपने अटेम्प्ट के बच्चे तो हैं ही, साथ में जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे आप उनके साथ भी फाइट करोगे उसमें एग्जाम में, तो वहां पे कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। आप लोग ये सोचते हो कि अभी 2-3 महीने और मिल जाएंगे तो आप लोगों को और अच्छा पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा, नहीं, जितना ज्यादा टाइम मिलता है उतना कम पढ़ाई होती है, ये बात नोट कर लेना और आप लोगों ने ये चीज खुद भी फेस करी है। अक्टूबर में कितना टाइम मिला आपको, जून अटेम्प्ट आया, जून के बाद वो फिर पोस्टपोन होकर अक्टूबर पहुंच गया, पढ़ाई हुई नहीं हुई ना, तो इसीलिए कह रहा हूँ जब भी चीजें पोस्टपोन होती है ना तो पढ़ाई में ढील हो जाती है, मन नहीं करता पढ़ाई का। रीजन एक ये भी है कि वही रिपीटेड बुक्स हैं, उनको कैसे उठाएं, कैसे पढ़ें, कैसे नहीं, तो वो मन नहीं करता है। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि हम और थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन जो अभी आपका फ्लो बना हुआ है ना वो फिर टूट जाएगा। 110% मैं गारंटी देता हूँ आपका फ्लो टूट जाएगा। तो प्लीज इस चीज के ऊपर फोकस मत करो, अपना अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी हेल्प, कोई भी गाइडेंस, कुछ भी चाहिए, बेझिझक होकर कभी भी मैसेज करो, विद इन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप है, आप ग्रुप में अगर कुछ क्वेरी है तो आप अपने वहां पे डिस्कस कर सकते हो, कोई स्टडी रिलेटेड क्वेरी है तो वही है। मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, देखो मैं इससे ज्यादा हेल्प आपकी नहीं कर पाऊंगा, इतना ही कर पा रहा हूं मैं, जितने नोट्स दे सकता हूं, एनालिसिस वीडियोस दे सकता हूं, रिविजन स्ट्रेटजीज बता सकता हूं, ये सारी चीजें जितना मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। आप लोग भी प्लीज उसको अच्छे से सुनो एंड उसके हिसाब से चीजें अपनी फॉलो करो। मैं नहीं चाहता कि आप लोग का अटेम्प्ट रहे, मैं चाहता हूं आप लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलो और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो प्लीज अपना फोकस करो पढ़ाई के ऊपर एंड इधर उधर के रूमर्स को मत सुनो, जो होगा देखा जाएगा। अगर कोई काउंसिल मेंबर आके कुछ बोलते हैं प्लीज कुछ मत सुनो, इस टाइम अपना फोकस करो।
मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी शायद कोई भी काउंसिल मेंबर ये नहीं बोल रहे होंगे, मर्ज होंगे, पोस्टपोन होंगे, बट अगर कोई कहते भी हैं तो प्लीज उनको मत सुनो, अभी फिलहाल अपना फोकस करो। अगर होता भी है इन केस फ्यूचर, मैं तो कह रहा हूँ एक वर्स्ट सिचुएशन आ जाए भाई, हो जाए, उस केस में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पढ़ाई का, अभी फिलहाल ये चीजें कंसिडर मत करो। थर्ड वेव अभी नहीं आ रही है, क्योंकि काफी बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया थर्ड वेव आ गई तो क्या होम बेस मिलेगा, ये मिलेगा, प्लीज इन सब चीजों को छोड़ो। अभी फिलहाल जो आपका अजीब सा पैटर्न आया है उसके ऊपर फोकस करो, उसके हिसाब से अपने आपको ढालने की कोशिश करो, ठीक है। अभी जो मॉडल एग्जाम होंगे उसकी प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर मॉडल एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो जब मेन एग्जाम होगा ना आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो इसीलिए मॉडल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी शुरू करो, ये मानो कि आपका एक तरीके से एग्जाम होने वाला है, मॉडल एग्जाम को एग्जाम समझ के देना, ठीक है। एंड आई होप कि इंस्टीट्यूट पूरा 3 घंटे का रखेगा, फाउंडेशन की तरह नहीं कि सिर्फ ट्रायल के लिए रखें, आई होप कि पूरा टाइम देगा इंस्टीट्यूट, जिससे कि बच्चा अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सके। तो ये चलो इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, आज की वीडियो में इसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो चलो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को एक बार विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, कमेंट जरूर करना एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हेल्प पहुंच सके। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।